देश में लोकतंत्र के महापर्व में लोग जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। हर कोई अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वोट देकर अपने पसंदीदा नेता को सत्ता तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन अपनों के सताए घर से भगाए इन बुजुर्ग माँ बाप को मानो वोट देना मैसर ही नहीं है। अपनों के जुल्म के सताए ये माँ बाप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी वोट देने दो, हमें भी नेता चुनने दो, हमें भी सत्ता की इस भागीदारी में अपना हिस्सा लेने दो। खबर आगरा से है, जहां पर रामलाल वृद्धाश्रम में रह रहे इन बुजुर्ग लोगों का दर्द बाहर आ गया। इन बुजुर्गों की मांग है कि हालात ने अपने घर का अधिकार तो छीन लिया, लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। राम बाबा जंगजी नगर में रहता था, उससे पहले ग्वालियर रहता था, ग्वालियर से आया था यहाँ पे। यहाँ कैसे आया? यहाँ वो मकान वकान बिक गया और पत्नी मर गई, अकेला रह गया, बच्चे है नहीं। आपके पत्नी मर गई, बच्चे नहीं, लड़की है वो ससुराल में। बाबू इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, सब वोट डालेंगे, आप भी आश्रम में, आपको भी मन में आता होगा हम भी वोट डालें अपना मताधिकार। हाँ, इच्छा तो है कि वोट डालें, पर हमारा वोटर में वोट ही नहीं है तो हम इसीलिए नहीं डाल पाएंगे। कैसे वोट नहीं आपका, क्या मतलब कागजात नहीं आपके या वोटर आई डी कार्ड? नहीं है ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, हाँ, वोटर आई डी कार्ड है आपके पास? वो तो है हमारे पास, है आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड वो भी है, पुराना है। अच्छा, तो इससे पहले पिछले साल भी आपका नाम नहीं आया होगा? नहीं आया हमें तो, दो तीन साल हो गए, दो तीन साल पहले हमने जब वोटर लिस्ट में नाम देखा, वो देखा और पोलिंग बूथ पर घूमे, कहीं भी हमारा नाम नहीं मिला लिस्ट में, नहीं वोट डाल पाए, तब से हम छोड़ दिया। फिर अब क्या ढूंढे, क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि अधिकारियों से मिले, अपने भी कहीं इस बात को रखें कि हमारा, हम नहीं जा पाते, हमारे पैर में एक्सीडेंट है, यहाँ पे हम जा नहीं पाते, कोई साधन नहीं है। आप चाहते हैं आप भी वोट डालें, चुनाव आयोग से अपील करना चाहते हैं? चुनाव आयोग से अपील करना चाहते हैं कि आपको भी लिस्ट में नाम आए और आप भी वोट डाल सकें? हाँ बिल्कुल, वोट में आ जाएगा, चुनाव आयोग कोई हमारी सुन लेगा, हम वोट डालने को तैयार हैं। वृद्धाश्रम की देखरेख कर रहे शिव प्रताप शुक्ल का कहना है कि इन वृद्ध माता पिता को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ इस समय 254 वृद्ध माता पिता के साथ साथ ही करीब 425 गाय निवास रहते हैं। तो चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, आपके यहाँ कई ज्यादा लोग रह रहे हैं, दूर दराज से लोग हैं, कुछ के पास वोटर आईडी कार्ड है तो कुछ के पास नहीं है, हमारे उनको वोट डालना चाहिए क्या? नहीं, वोट डालने का अधिकार तो सबका है और तभी अच्छी सरकार जो है चुनी जा सकती है, क्योंकि सब वोट दें और उनके सभी को मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार हो। हमारे यहाँ जो विभिन्न माता पिता हैं, विभिन्न जगहों से रहने वाले हैं, कुछ आगरा के हैं, कुछ आगरा से बाहर के भी हैं, तो इन माता पिता को भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि ये अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। तो वहीं पूर्व ग्राम प्रधान का कहना है कि वोट तो बनवाए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते इनके वोट नहीं बन पाए। हमारे आश्रम में लगभग 235-40 बाबा और अम्मा हैं, जिनके वोट पहले हम लोगों ने बढ़वाए थे, 38 वोट बढ़ चुके थे और राशन भी मिल रहा है हमको, राशन कार्ड भी हैं। हमने इस बार किसी कारणवश 2014 में हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर विवादित वोट कटवा दिए गए, इसमें से अभी हमारे 8-7 वोट हैं भी। इस बार हमने 90 फार्म भर के दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट दिए, BLO आदिल खान के कारणवश या क्या कारण रहा, आदिल खान तो ये कहते हैं मैंने जमा किए हैं, और वोट अभी तक नहीं आए हमारे बाबा दादियों। पेंसिल के भी लिए बात हुई है, पेंसिल भी बन रही है, जब राशन कार्ड बन चुका है तो ये यहाँ के मूल निवासी हैं, वोट क्यों नहीं? हमारे पास एक ही अधिकार होता है वोट का, वो भी हमसे वंचित किया जा रहा है, छीना जा रहा है ज़बरदस्ती। वोट डालना हर किसी इंसान का अपना हक है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वृद्धाश्रम में रह रहे इन बुजुर्गों का भी कहना है कि चुनाव आयोग उनके लिए मतदान की व्यवस्था करे, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इन बुजुर्गों ने सरकार से वृद्धावस्था पेंशन सुचारू रूप से चालू करने की भी मांग की है। वीडियो डेस्क, amarujala.com।